Gurpreet Sandhu and welcome back to my channel once again. So today I will show you guys how to create a bridal makeup look. तो उसके लिए I have bought some jewelry. तो मैं आपको ज्वेलरी दिखा देती हूँ. तो this is the choker, काफ़ी हैवी सा choker है और इसके साथ है earrings and टिक्का. ये है earrings जो इसके साथ हैं, बहुत ही ब्यूटिफुल से earrings है. और इसके साथ है ये जो टिक्का है, ये ऐसा टिक्का है, बहुत सुंदर सा टिक्का है. तो पहले मैं आपको बता दूं, जो ये सूट है, जो मुझे लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि ये मैंने करवा चौथ पे सूट डाला था. एक्चुअली मैंने सोचा था कि करवा चौथ पे भी मैं एक वीडियो बना लूँगी जो मैं मेकअप करूँगी, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि उस दिन मेरे पास एक मेकअप आ गया था, मतलब किसी का मेकअप करना था, कोई फ्रेंड आ गए थे उनका मेकअप करना था, तो फिर वो हो नहीं पाया और मेरे को खुद को मेकअप करने के लिए टाइम नहीं मिला. मैंने हार्डली 15 मिनट्स में रेडी होके और मैं भाग गई थी, जो पूजा होनी थी उसकी वेन्यू पे पहुंचना था 4 बजे. तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 3:40 पे मैं रेडी होना शुरू हुई थी और फटाफट मैं दौड़ गई थी 4 बजे. तो आई विल ट्राई कि मैं वैसा ही मेकअप लुक क्रिएट करूं, क्योंकि वो जो मेकअप लुक था बहुत ज़्यादा प्रिटी मेकअप लुक था और वो जल्दी जल्दी में बहुत अच्छा वाला मेकअप हुआ था. तो अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहले मेकअप करना. तो उसके लिए मैंने थोड़े से ना बालों का कर्ल भी किया है, क्योंकि उस दिन करवा चौथ वाले दिन भी मैंने बाल कर्ल किए हुए थे, बट अभी मैंने ऐसे ही नॉर्मली ऐसे ही कर्ल करके, और मैंने कोई हेयर स्प्रे वगैरह नहीं लगाई है क्योंकि वैसे मेरे को घर पे ही रहना है, तो फिर हेयर स्प्रे लगा बाल वॉश करने पड़ते हैं उसके बाद. तो फिर मैं अभी वॉश नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही 2 दिन पहले ही मैंने केराटिन ट्रीटमेंट किया है बालों का, उसकी वीडियो भी मैंने बना ली हुई है. अभी मैंने पब्लिश नहीं किया है, अभी 1-2 दिनों में शायद मैं पब्लिश कर दूँ. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मेकअप करना. सबसे पहले मैं अपना फेस वाइप करूँगी, तो उसके लिए आज मैं कोई भी स्किन टोनर नहीं ले रही हूँ. उसके लिए आज मैं ले रही हूँ ये जॉनसन्स बेबी के वाइप्स. तो आई थिंक सभी के घर पे होते हैं ये वाइप्स या जॉनसन्स, जिनके घर में बेबीज हैं उनके घर में जॉनसन्स के होंगे, बच्चों वाले होंगे, या नॉर्मली भी सबके पास होते हैं. तो मैं ये वाइप ले लूँगी, इससे मैं अपना फेस को अच्छी तरह से क्लीन करूँगी ताकि जो भी फेस पे डर्ट है, डस्ट है, वो अच्छे से निकल जाए और हमारा फेस प्रिपेयर हो जाए फॉर मेकअप. मैं अपने बालों को सिक्योर कर लूँगी, बिकॉज ये ना फेस पे आते रहेंगे, नहीं तो पूरे मेकअप पे. और फेस मेरा हो गया है अच्छे से क्लीन. लगाऊंगी अपना मॉइस्चराइज़र, ये कोको बटर फॉर्मूला. तो ये जो मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने जिस दिन लास्ट जो मैंने वीडियो डाली है मेकअप वाली गेट रेडी विद मी, उसी दिन ये मेरा उसी दिन शाम को ये डिलीवर हुआ था. तो ये आ चुका है, ये इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती बिल्कुल भी, ये हमारा फेवरेट है. तो इसको मैं ले लूँगी, इतना सा लूँगी अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है. वैसे आप लोग बोर हो गए होंगे ना ये बात सुन सुन के, मेरी ड्राई स्किन है, मेरी ड्राई स्किन है, मेरी ड्राई स्किन है. तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, जो आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है. तो हम लगा लेंगे इसको अच्छी तरह से फेस पे, साथ साथ ही मैं अपने फेस पे अपने लिप्स पे मैं लगा लूँगी ये लिप बाम, ताकि मेरे जो लिप्स हैं, जब तक मेरा पूरा मेकअप डन हो जाएगा तब तक मेरे लिप्स अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं. सो आई स्टार्ट विद माय आईज फर्स्ट. उसके लिए मैं ये ले रही हूँ लाइक यू ब्रांड का ब्राउ पैलेट, और मैं अपने सबसे पहले आईब्रोज को फिल कर लूँगी. फिल करने के बाद हम आईज पे आएंगे. अपने आईज को फिल कर लेती हूँ, और सॉरी आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ, नॉट आईज को. मिरर मैंने यहाँ सामने रखा हुआ है, तो मैं यहाँ मिरर की तरफ देख के बोलिए, इससे हम इसको अच्छी तरह से कॉम कर लेंगे. और कॉम करने से क्या होगा, जो प्रोडक्ट है, जो हमने पाउडर, जो ब्राउ पाउडर हमने आईज पे लगाया है, वो अच्छी तरह से पूरे इस पर स्प्रेड हो जाएगा अच्छी तरह से. मेरे आईब्रोज हो चुके हैं डन. उसके बाद मैं लगाऊंगी ये स्टूडियो डर्मा का पैक का स्टूडियो डर्मा. ये मैं अपने आईज पे ही यूज़ करती हूँ, ये मैंने ज़्यादा फेस पे नहीं यूज़ किया, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी है ना जो बहुत ज़्यादा थिक है.
तो मैं ये पैक का प्रोडक्ट आज, वैसे भी जितने भी मतलब मोस्टली प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे वो मैक पैक के ही यूज़ होने वाले हैं। तो अब मेरा आईज़ पे जो बेस है वो हो चुका है, तो इसके बाद मैं अपना आई का मेकअप स्टार्ट करूँगी। उसके लिए मैं यही सेम लाइट ह्यू का जो मेरा ब्राउ पैलेट है इसको ले रही हूँ, और इसमें से जो ये ब्राउन वाला कलर है मैं ये लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा ही वो सिवाना वाला यूज़ करती हूँ। तो आज मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट करूँगी, इसको यहाँ पर लेके अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन कर लूँगी अच्छी तरह से। तो हाँ, कलर देखो कितना ज़्यादा अच्छा है ये वाला। तो आप देख सकते हो ये आईज़ बिल्कुल एकदम प्लेन लग रही है, और इस आईज़ आई में एक डायमेंशन आती है। आई एम वेयरिंग अ रेड सूट, तो मैं कोई भी रेड कलर ले लूँगी। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप लाल ही करो मेकअप, अगर आपने लाल कुछ पहना है इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल। तो मैं वैसे रेड ही ले लेती हूँ, और इसको मैं क्रीज लाइन के नीचे नीचे कलर को अप्लाई कर लेती हूँ। मेरी कोई भी टेक्निक ना कभी भी सेम नहीं होती, कभी आपको बताना भूल गई। मैं ये जैकलिन हिल का पैलेट मैंने लिया है, ये भी मैंने ऑनलाइन ना नाइका से कि अमेजोन से मंगवाया था मुझे। तो यहाँ यहाँ नीचे नीचे मैंने जो आई लिड है उस पर कलर लगा लिया है। लिड पे जो स्पेस है ना बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ये वाला ब्रश भी चल जाता है। वैसे अगर नॉर्मली हर बंदे की अपनी अपनी आँखें, अपनी अपनी आँखों की शेप होती है, उसके हिसाब से आपको करना होता है, तो मेरे तो ये भी चलता है। तो इसको अच्छी तरह से कर लेंगे ब्लेंड। मैं कभी भी एक आँख एक टाइम पे नहीं करती हूँ, कुछ लोगों की आदत होती है पहले एक आई करते हैं फिर दूसरी करते हैं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं साइड बाई साइमल्टेनियसली दोनों करती हूँ, क्योंकि फिर अगर कुछ समटाइम्स आपको पता भी नहीं चलता आपने क्या किया है, किस पे कौन सा मेकअप किया, किस पे क्या किया। ये थोड़ा स्मज ब्रश है, इससे मैं थोड़ा इसको इस लाइन को स्मज कर लूँगी। चलो हो चुका है, अब इसके बाद मैं लूँगी ये वाला पैलेट, ये FC का पैलेट है, तो बहुत अच्छा पैलेट है। जो जिससे मैं लेके आई थी मेकअप, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार ट्राई करके देखो, जितना पैक उनकी जितनी पैक की सेल है उतनी ही इसकी सेल है, और इसमें पिगमेंट्स जो हैं ग्लिटर्स वाले इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आई कांट इवन टेल यू गाइस। तो इसमें से मैं जो ये वाला गोल्डन है ना, रस्टी सा गोल्डन, ये वाला गोल्डन लूँगी और अपनी आई लिड पे मैं इसको लगाऊँगी। मैं ले रही हूँ ये वाला ब्रश जिससे मैंने बेस आई बेस लगाया था, तो ये मैं ले लूँगी कलर यहाँ से, और इसको मैं लगाऊँगी अपनी लिड के ऊपर, आई लिड के ऊपर। तो इसको यहाँ पर मैं, और इसकी पता नहीं है कैमरे में आएगा कि नहीं, बट इसकी जो पिगमेंटेशन है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ये अक्सर ना ब्रश से ना अच्छी तरह नहीं लगती, मतलब इनके जो है ना कलर वो अच्छी तरह से नहीं आता, तो आप कोशिश करो कि आप ना फिंगर से ही लगाओ इसको। ये देखो अब मैंने फिंगर से लगाया तो ये कैमरे पे दिखाई देने लगा, अदरवाइज ये दिख भी नहीं रहा था अच्छी तरह से। तो ये जो था ना पिगमेंट ये बहुत ऊपर तक चला गया, तो इसको मैं नॉर्मल ब्रश लेके उससे मैं इसको अच्छी तरह से थोड़ा डल कर दूंगी, कुछ कलर लगाएंगे। वैसे जो मेरा ये सूट है ना, इसकी जो दुपट्टा है वो ब्लू कलर का है, तो अगर मैं चाहूँ तो एंड्स पे ब्लू भी कर सकती हूँ, तो मैं ब्लू ही कर लेती हूँ एंड पे। अगर ब्लू नहीं करना तो कुछ और कलर भी ले सकते हो, तो फिर हम उसके लिए ना ये पैलेट देखते हैं। इसमें चुन्नी का कलर है वो इतना ऐसा नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ब्लैक और ब्लू को मिक्स करके ना थोड़ा डार्क वो बना सकते हैं, और वो हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों कलर्स को मैं ले लूँगी थोड़ा थोड़ा हाथ पे, ओके पता नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे करके, और मैं इसको अपने आउटर वी पे लगाऊँगी, हल्का हल्का सा आउटर वी पे डालना है कलर को। क्रीज लाइन ये होती है जो बिल्कुल आपकी लिड के ऊपर जो लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन पे इस कलर को हल्का सा अंदर को ड्रैग कर देंगे।
लूंगी एक बार फिर से यही वाला पिगमेंट और मैं अच्छी तरह से इसको फिर से एक बार से लगा दूंगी ताकि जो कलर थोड़ा लाइट हो डार्क हो जाए। और ये ब्राउन वाला कलर लेंगे जो हमने यहाँ से लिया था, एक बार इसको फिर से उसी एरिया पे ऊपर थोड़ा सा और जो भी कलर्स हैं उसको थोड़ा न्यूट्रल कर देंगे और फिर ये हमारा आई मेकअप हो जाएगा डन। सब चीज़ों को थोड़ा न्यूट्रल कर देंगे ये वाला कलर लगा के। जो ब्रशेस है ना मैं साथ साथ में साफ करती रहती हूँ ताकि जब मेरा नेक्स्ट मेकअप मैंने करना हो तो मुझे ज़्यादा वॉश वूश करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इनको साथ साथ में ही ना वाइप से क्लीन करती रहती हूँ क्योंकि कई बार हमने डार्क पिगमेंट्स ब्लैक वगैरह यूज़ किया होता है तो फिर अगर वो कुछ आई मेकअप करो और पिगमेंट से ख़राब हो जाए सारा बेस वेस तो इससे बेटर है इसको साफ़ करके साथ के साथ साफ करके रख दो। के बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मैं लगा रही हूँ ये रीकोड का आईलाइनर। ये है स्केच स्टाइल में, ये एक यूएसए का ब्रांड है। ये मैं एक्चुअली लेके आई थी, कुछ मैंने सोचा था कि मैं एक मेकअप हॉल वीडियो शूट करूँगी तो मैं काफ़ी सारा मेकअप लेके आई थी बट मैंने किया नहीं शूट, आई डोंट नो व्हाई मैंने शूट नहीं की वीडियो। लाइनर लगाऊंगी, उससे पहले मैं क्या करूंगी जो भी फॉल आउट्स हैं वो मैं वेट वाइप से साफ कर लूंगी। और आप देख रहे होंगे कि वेट वाइप इतना छोटा सा क्यों है तो मैं वेट वाइप पूरा नहीं यूज़ करती हूँ, मैं उसको थोड़ा जितना चाहिए होता है उतना फाड़ लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो अगर हम पूरा यूज़ करेंगे तो पूरा वाइप जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि जितना आपको चाहिए सिर्फ आप उतना ही यूज़ करो और बाकी को एक्स्ट्रा जो आपका होता है जो एक्सेस जो बच जाता है वो उसको दोबारा से पैकेट में डाल दो। तो ये मैंने आईज़ कर ली हैं क्लीन नीचे से, जो फॉल आउट्स थे या जो मेरा यहाँ से जो आउटर वी मैंने बनानी थी वो भी मेरी बन गई है। तो नाउ आई नो कि मेरे को आईलाइनर कहाँ पर लगाना है। तो अगर आपको लगे कि इनर कॉर्नर्स में ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया वो भी आप अच्छी तरह से साफ कर लो। और अब मैं लगाऊंगी अपना लाइनर फटाफट से, मैं लाइनर लगा के वापस आती हूँ। गाइस आई एम बैक, मैंने लाइनर भी लगा लिया है और मस्कारा भी लगा लिया है। मस्कारा अच्छी तरह से आप आई लैशेस पे लगा लो, फॉल्सीज लगानी है नहीं लगानी आपकी चॉइस है बट आज मेरा मूड था कि मैं फॉल्सीज भी लगाऊँ तो ऐसा हुआ है मेरा आई मेकअप। आई थिंक यू कैन सी प्रॉपरली जो मैंने किया है और जैसे मिरर में तो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर कि इस पे आ रहा है कि नहीं क्योंकि ये जो पिगमेंट्स है ना ये जो ग्लिटरी वाले पिगमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितने ज़्यादा सुंदर है। तो अब मैं फटाफट से फेस पे लगाऊंगी ये कलर बार का ऑयल। इससे ना ये आप फेस पे भी लगा सकते हो, आप स्किन पे भी लगा सकते हो, आप हेयर्स पे भी लगा सकते हो और आप इसको नेल्स वगैरह पे भी लगा सकते हो। तो ये आर्गन ऑयल है, बहुत अच्छा ऑयल है, मैंने 2 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो फेस पे हम ऑयल लगा लेंगे। अब ऑयल लगाने के बाद ना हमें थोड़ी देर वेट करनी होगी क्योंकि ये अच्छी तरह से स्किन में मर्ज हो जाए तब तक हम इसकी वेट करेंगे। तो फिर 2-3 मिनट्स हम वेट करते हैं, उसके बाद मैं कुछ और लगाऊंगी फेस पे। तो हाँ जी गाइस 2-3 मिनट्स हो चुके हैं ऑयल लगाने के बाद। तो अभी जो मेन प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है वो है ये पैक का फाउंडेशन। ये मैं न्यू लेके आई थी करवा चौथ पे, तो मैंने करवा चौथ पे भी इस यही मेकअप लगाया था। तो ये पैक का है HD फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, और ये मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 875 रुपीज़ का। तो ये मैं लगाऊंगी और इसके जो ये मैंने अपनी बिल्कुल स्किन टोन से मैच करता हुआ लिया था और इसका है इसका शेड का कुछ नाम नहीं लिखा है बट इस पर HD लिक्विड फाउंडेशन के साथ 2.5 लिखा है, आई थिंक वो इसका नंबर है 2.5 शेड 12
शेड 12 इसका शेड है 12 2.5। ओके तो इसकी ऐसे इस पे कैप लगी हुई है, इसको हम खोलेंगे तो ये निकलता है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हाथ पर लगा लूँगी और एक पंप ही लिया है मैंने अभी तक। फिर इसको मैं फिंगर से पूरे फेस पे अच्छी तरह से लगा लूँगी, एक पंप से काम नहीं बना, तो मैं थोड़ा सा और लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने आज तक इतना ज़्यादा फ्लॉलेस फाउंडेशन नहीं देखा, बहुत अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हम फटाफट से इसको लगा लेंगे ओवल ब्रश, इससे मैं पूरे फेस पे इसको स्प्रेड कर दूंगी। ये मेरे बिल्कुल स्किन टाइप का है, मेरा स्किन जो मेरा स्किन टोन है उसके हिसाब से मैंने लिया था पूरा टेस्ट वेस्ट करके। लिया करो कि हमने अपने फेस को बहुत कोरा करना है, बहुत सफ़ेद करना है। फाउंडेशन लगाने का मतलब ये नहीं होता, फाउंडेशन या कोई भी हम क्रीम्स हम फेस पे लगाते हैं, कोई भी BBCC क्रीम, तो हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारी स्किन है वो स्किन टोन है फेस की वो इवन लगे। जैसे हमारे कभी यहाँ से डार्क होता है, कोई हाइपर पिगमेंटेशन होती है फेस पे, या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं फेस पे, दाग धब्बे होते हैं, तो हमें जैसे उसको कवर करना होता है और हमें होता है कि हमारा जो फेस है ना, जो स्किन टोन है हमारी, वो एकदम से एक जैसी लगे, हमारा स्किन ना पंजाबी में बोलते हैं डब खड़ब्बा, तो वैसा हमारा फेस ना लगे, तो इसलिए हम फाउंडेशन लगाते हैं। फाउंडेशन का मतलब ये नहीं होता कि एकदम वाइट हो जाए हमारा फेस या कुछ भी। जो लोग वाइट करने के लिए लगाते हैं ना फेस पे फाउंडेशन, तो फिर उनका फेस बहुत ज़्यादा गंदा भी लगता है, क्योंकि वो ना क्या कहते हैं, वो फिर फेस का कलर कुछ और होता है, फिर हम उस पर हम कुछ और कलर लगा लेते हैं, तो वो फिर ना हमारा पता चलता है कि हाँ हमने ना हमारा कॉम्प्लेक्शन कुछ और है, हमने लगाया कुछ फेस पे कुछ और लगाया। तो ये हो गया है डन। अब इसको मैं ब्लेंडर है मेरा, इससे मैं एक बार इसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, ताकि जो एक्सेस अगर मैंने ज़्यादा लगा लिया है फेस पे तो वो मेरा सारा फाउंडेशन अच्छी तरह से निकल जाए और मेरा फेस जो है वो ज़्यादा केकी ना लगे। तो अच्छी तरह से इसको मैं डैब डैब करके फेस पे जो एक्सेस फाउंडेशन है उसको मैं हटा लूँगी। ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा मेरे हाथ में और फेस में। तो जो हेयरलाइन है उसमें अच्छी तरह से प्रोडक्ट को ऐसे से क्या, ये मेरा फाउंडेशन हो चुका है। अब मैं करूँगी फेस को कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए ये मेरे पास दो हैं शेड्स एलेगल प्रो के, बट मैं ये वाला लगाऊंगी क्योंकि जो ये है ना इससे कॉन्टोर इतना दिखाई नहीं देता, तो मैं ये वाला शेड लगाऊंगी। तो उसके लिए आपको पाउडर करना है, आप सबको पता है। जो हैवी फेस है ना, जैसे जिनके मेरा जैसे हैवी फेस है, वो कोशिश करो कि इसको जितना ऊपर हो सके ना उतना लगाओ, जो हमारी बोन होती है ना यहाँ पर, उस पर ही आप ट्राई करो कि इसको वहीं पर लगाओ, उसके ऊपर ऊपर लगाओ। और यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे। जब भी मैं इसको निकालती हूँ बहुत गंदे तरीके से बाहर आता है जो लाइन पे। आप चाहो तो आपको क्रीम कॉन्टोर नहीं करना, तो आप पाउडर वाला भी कर सकते हो, तो भी आपकी चॉइस है। और मैं इसको कॉन्टोर करेंगे हम। हेयरलाइन को कॉन्टोर करेंगे।
जिनके लिप्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना, वो एक ट्रिक कर सकते हैं, जो कंटूर है ना अपना, वो अपने लिप के नीचे भी लगा लो, तो उससे इंस्टेंटली ना आपके लिप्स जो है ना वो बड़े दिखाई देने लग जाएंगे। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो जॉ लाइन पे करना है उसको नीचे को नेक की तरफ को मर्ज करना है, ओके, ताकि हमारा जो डबल चिन है, जिनकी मेरे जैसे हैवी फेस है, डबल चिन है, वो और निकल जाए। और जो हम चीक्स पे करेंगे वो हम ऊपर को करेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने अंडर आई को कंसील करूंगी। थोड़ा सा हल्का सा मैं इस एरिया को भी कंसील करूंगी, लिप्स के जो साइड साइड है। इसको कर लेंगे सेट, सेट नहीं करेंगे इसको हम, पता नहीं, तो इतनी सारी टर्म्स है ना, कभी कभी ना मुझे भूल ही जाती है कि क्या सेट करना है, क्या ब्लेंड करना है, क्या स्मच करना है। आप देखोगे अब जो मैंने जहाँ पर इसको कंसील किया है जिस एरिया को, वो इंस्टेंटली वो एरिया मतलब कि जो मेरी आईज है ना वो बहुत ज़्यादा पॉप होने लग गई हैं, तो इसीलिए ना आइस के नीचे कंसील कर लिया करो, बहुत अच्छा लगता है ये जब आपको हैवी लुक्स करनी होती है। तो जो ब्राइडल है वो तो वैसे भी हैवी है, हैवी लुक होता है ब्राइडल का मेकअप, तो अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी मैं। एरियाज को अब मैं करूंगी सेट। सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ, पता नहीं, मैं ना जब मेकअप करती हूँ ना और मैं बोलती हूँ, मेरी टंग इतनी ज़्यादा ट्विस्ट होती है ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन। तो मैं ले लूँगी ये पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर, फेदर सॉफ्ट और नेचुरल फिनिश, ये सभी स्किन टाइप के लिए है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना। और हम इसको अगर कॉम्बिनेशन में लगाते हैं ना, कॉम्बिनेशन में मतलब कि अगर मैं इसको और पैक का फाउंडेशन और ये उसके ऊपर, ये जो इसका बनाना पाउडर है या ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो भी आप बोलना चाहो, अमेजिंग अमेजिंग काम करता है ये। इसको मैं सारा जो मैंने अभी कंसीलर वगैरह लगाया है वो मैं उसको सेट कर लूँगी अच्छी तरह से, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है उस एरिया पर मैं इसको लगा लूँगी, रफली लगाना है इसको, मैं बाद में ना अच्छी तरह से बफ आउट कर दूँगी उससे, क्या बोलते हैं जो ब्रश होता है। क्या बात है,
क्या बात है दुपट्टा, क्या बात है। इसके बाद फ्लफी ब्रश या ब्लशर ब्रश, इससे मैं एक बार पूरे फेस पे इसको घुमा दूंगी ताकि जो एक्सेस पाउडर लगा हुआ है पूरे फेस पे वो निकल जाए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है आई एम श्योर। एक तो मेरा हाथ ना बहुत धीरे धीरे चलता है, तो दैट्स द रीज़न कि वीडियो लंबी हो जाती है। और ब्लशर एंड हाइलाइटर मैं यही स्विस ब्यूटी वाला पैलेट ही यूज करूंगी, ये वाला। इससे ही मैं ब्लशर भी लगा लूंगी और हाइलाइटर भी लगा लूंगी। तो ब्लशर के लिए मैं ये दो जो कलर्स है ना इनको मिक्स करूंगी और ये वाला ओवल वाला ब्रश, और इसमें से जो ये गोल्डन वाला है ये वाला मैं लूंगी और इसको लगाऊंगी अपने ब्राउ बोन पे। ओ माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। और इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी मैं थोड़ा सा। ये वाले ब्रश से ना जो इनर कॉर्नर में एप्लीकेशन होती है ना प्रोडक्ट की, बहुत ज्यादा अच्छी होती है। वैसे यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है ये। ओके, तो अब मैं नोज पे भी लगा लूंगी। और फिर से ये वाला ब्रश लूंगी और क्यूपिड्स वो और लिप्स के इस एरिया पे एंड चिन पे लगा लेंगे सेम इसी ब्रश से कंटूर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक है ये वाला पैलेट, बहुत साल पुराना है ये पैलेट, ये मेरी फ्रेंड लाई थी ऑस्ट्रेलिया से। इसको मैं ले लूँगी और थोड़ा सा जो मेरा कॉन्टोर है उसको थोड़ा सा और बस चले ना, मैं पूरा मेकअप एक ही ब्रश से कर दूँ। तो इसके लिए मैं ये ब्रश ले रही हूँ ताकि इससे थोड़ा अच्छा सा हो। आईलाइनर ब्रश या पेंसिल ब्रश आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। और उससे ये मैं ब्राउन वाला शेड लूंगी और इससे मैं लगाऊंगी अपनी लोअर लैश लाइन पर। और इसको पीछे से जॉइन कर दूंगी। लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ ये मेबलिन की, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड है ये। ये मेबलिन की सुपर स्टे मैट इंक है और इसका शेड नंबर है 220, मतलब कि 220। एम्बिशियस इसका जो नाम है वो है एम्बिशियस। अब मैं लगा लूँगी ये वाला लिप कलर और इसकी स्टेबिलिटी तो मैं आपको क्या बताऊँ, आप जब तक उतारोगे ना ये उतरेगी नहीं।
मतलब समझ भी नहीं होगी, मतलब कि थोड़ा बहुत भी आपको इसको दोबारा से टचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक है ये। तो मैं अब ये लिपस्टिक लगा लूँगी फटाफट से लगा के, और फिर हम करते हैं इसको ख़त्म। ओके गाइस, तो लिपस्टिक लग चुकी है। अब लिपस्टिक के बाद में लगाऊंगी थोड़ा सा सिंदूर, वैसे सिंदूर लगा हुआ है बट फिर भी मैं थोड़ा इसको डार्क कर लूंगी। तो इसके बाद फटाफट से लगाऊंगी आईलैशेस। आईलैशेस मेरे पास ये हैं लाइक यू की, ये मैंने यही सेम लैशेस करवा चौथ पे लगाई थी। मैं जो अपनी आईलैशेस है वो काफ़ी बार यूज़ करती हूँ, तो अब मैं ये आईलैशेस लगा के फिर आपके पास वापस आती हूँ। हाँ जी, तो गाइज मैंने लैशेस लगा ली हैं एज यू कैन सी। अब मैं इसका सेंटर, इयररिंग्स तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। टिक्का की सेटिंग मैं अभी ऑफ कैमरा करती हूँ। अगर आपको टिक्का का सेटिंग कैसे होती है, अब आपका उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, फिर ही मैं बताऊँगी कि आपको मैं टिक्का कैसे लगाती हूँ सबसे इजी वे से। तो गाइज टिक्का हो चुका है मेरा सेट, मैंने थोड़ा सा ऐसे टेम्प्ररी सेट कर लिया इसको। और नेकलेस देख लो मेरा बहुत ज़्यादा प्रीटी है, नेकलेस मैंने डाल लिया है, इयररिंग्स भी मैंने डाल लिए हैं। और अब हम ले लेते हैं दुपट्टा। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मेरा ब्लू कलर का दुपट्टा है। अगर आपने मेरे पूरे सूट की लुक देखनी है कैसा था मेरा पूरा सूट, तो आप इसको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने फुल जो सूट की है पिक्चर्स डाली हुई हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी, मैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अपडेट्स वगैरह डालती रहती हूँ। तो ये था मेरा पूरा ब्राइडल मेकअप लुक। आप ऐसे रेडी हो सकते हो, अगर आपकी न्यू शादी हुई है या फिर कुछ और है तो आप इस तरह से रेडी हो सकते हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा है मेकअप ट्यूटोरियल। अगर कुछ इसमें कमियां थी, फ्लॉज थे, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और आपको नेक्स्ट कैसा मेकअप वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी सजेशंस दे सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।